हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 में अभी तक पूछे गए प्रश्नों का ये पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर और जीके क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइज, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, डीआरडीओ के लिए, तो आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है सौरभ11। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और उस कैटेगरी के जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे होंगे उन सबकी क्लासेस भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइज, आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है? आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 148 में, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा डल झील, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको कवर करा चुका हूँ पहले ही। इसका सही आंसर रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? गाइज, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है एक्चुअली, ठीक है, तो आप कोऑपरेट करिएगा, अगर कुछ गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल, दाब इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो देखिए, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कई बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को भी, ये कोलकाता में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी। गाइज, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर की वीडियो में मैंने कराया था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे गलती कर सकते हैं स्टूडेंट और गलत आई थिंक कर भी रहे हैं। इसका सही आंसर रहेगा, सॉरी, यहाँ पे देखिए, एक में टाटा रहेगा और एक में रहेगा रिलायंस, ये आर है ना, तो एक में रहेगा रिलायंस। तो अब बताइए कौन सा रहेगा, ये मिसप्रिंट है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसका सही आंसर रहेगा, RIL। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद का क्या नाम था? तो देखिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद का नाम था अष्टप्रधान, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियंस नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल दोस्तों, शशि थरूर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था? तो गैज इसका सही आंसर रहेगा टंगुटूरी प्रकाशम। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी की जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों टाइफाइड। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं गाइस जो आपके एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अभी CHSL का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस एरिया को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। ये देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, फिर उसी टॉपिक को आप रीड करिए, ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम को अच्छे से देखाइए। यही गाइडेंस होती है, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ मेरा मोटिव यही है कि आपको मैक्सिमम वो क्वेश्चंस करा सकूँ जो एग्ज़ाम में आए थे। बीमा कवर कितना है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा कवर कितना है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 2 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एटीएम में टी का मतलब क्या है? तो एटीएम में टी का मतलब है टेलर, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए दोस्तों, वेरिसेला जोस्टर्स वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो चिकन पॉक्स इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में मेरे को देखने को नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य और दर्रे के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए दोस्तों, लीपुलेक दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा 1527, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है? तो उड़ीसा इसका सही आंसर रहेगा। भारत के राजकीय चिन्ह में कौन कौन सा जानवर नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, ऊंट इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल, अनुच्छेद 25 से 28। मेक इन इंडिया पहल किस की यहाँ पे होगा, किस किस मंत्रालय ने से संबंधित है? मेक इन इंडिया पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका सही आंसर रहेगा। उड़ान योजना में ए का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा आम। बाकी का आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे ऐसी आशा है कि आप इसका आंसर जरूर बता देंगे। UDAN इसका फुल फॉर्म क्या है गाइज, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही ईजी हो गया, तो इसका सही आंसर रहेगा गुवाहाटी। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, अभी मैंने कराया था ये। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, साइटोलॉजी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2019 के लिए ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया विराट कोहली, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस बंदरगाह पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास अपहरण का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोचीन पोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 इसका सही आंसर रहेगा। गोताबाय राजपक्षे किस देश से है? तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, श्रीलंका से है भाई। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 इसका सही आंसर रहेगा। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा दोनों, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। प्रतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूचियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? देखिए अनुसूची दो में 22 भाषाएं यहाँ पे बताई जा रही है, जिस जो कि ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। बेंजीन की संरचना में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वीजा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वीजा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? पीवी सिंधु, बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे बोला था आपको कि इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेना। तो ये अभी अटल सुरंग हो गया है, ठीक है, अटल सुरंग यहाँ पे नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, अटल सुरंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत के किस हिस्से में हैं? तो उत्तर पूर्वी सीमा पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? बिल्कुल दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य के जो एडवोकेट जनरल होता है उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों वहां का राज्यपाल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत रोधी नहीं है? तो पारा यानी कि मरकरी इसका सही आंसर रहेगा,
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार तो मैंने प्लस की क्लास में कराया है, ठीक है, अनएकेडमी प्लस की क्लास में मैंने कई बार इस क्वेश्चन को कराया है, और बेंगलोर कर्नाटक इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था? तो दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए भगत सिंह का नहीं था, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रामसर कॉन्वेंशन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आर्द्र भूमि इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपको इनमें से कोई नहीं लगाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी इसका सही आंसर रहेगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी इसका सही आंसर रहेगा। निम्न में से किसे 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा मर्जबान पटेल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो ये थे आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन, और अभी ध्यान रखिएगा इसके बाद भी मैं एक दो पार्ट और लेके आऊँगा। एसएससी में जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, SSC 2020 में, CGL 2020 में, वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगा, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम पर जाके सौरभ सर जी के सर्च करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट अभी अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके, जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। हमारी SSC, बैंक, UPSC, रेलवे कैटेगरी, मतलब एक नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी है, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर तो मिलते ही हैं पढ़ने के लिए, और जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं आपकी रैंकिंग को लेके चलते हुए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है, पूरी इंडिया में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसी कैटेगरी में हम आपको जज करते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, कम आ रही है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, कितना आपको घंटे घर पे पढ़ना है, कितनी क्लासेज अटेंड करनी है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको तैयारी करनी है, तो अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन आज ही ज्वाइन कर लेना गाइज, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप घर से बाहर भी जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम भी तो है ही, अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, है ना, आप घर पे बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, किसी की कोई झिकझिक टेंशन नहीं है। आपको सबसे पहले करना क्या है, ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा रेलवे एग्जाम, आपको लिखना है SSC एग्जाम्स, ठीक है, जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लेंगे, फिर 6 या 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेना, सारे एग्जाम कवर रहेंगे उसमें, CGL, CHSL, MTS, DRDO, जो भी आपके जितने भी होते हैं सारे एग्जाम आपके कवर रहेंगे। फिर यहाँ पे एंटर रेफरल कोड में आपको 1611 कोड डालना है, जैसे आप इस कोड को डालते हैं, अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपकी जो फीस होगी वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2000 फीस है, वैसे अगर आप 1 साल के लिए जाते हैं तो 6000 फीस है, और 6000 में आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो 5400 हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिल ही नहीं सकता है, ठीक है, इतनी फीस होगी, उसका पेमेंट करेंगे तब जाके आपको सारी क्लासेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप मुझे अपना नंबर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ज्वाइनिंग कर प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा कि कैसे ज्वाइन करना है। बाकी आप इस डिस्काउंट कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास रखिए, जब भी ज्वाइन करेंगे आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।